नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। याद है ना फिल्म थ्री इडियट्स में वायरस ने कहा था लाइफ इज अ रेस। बिल्कुल ठीक बात। और अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो कोई ना कोई तुम्हें कुचल कर आगे बढ़ जाएगा, कुछ ऐसी लाइन थी। और ये फलसफा श्रुतिका निजी जिंदगी में भी बड़ा काम करती है। और कभी कभी अपनी फिटनेस टेस्ट कर लेनी चाहिए, दौड़ लगा कर ही सही। तो क्या मीनाक्षी अभी हम लोग दौड़ लगाने वाले हैं? अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हुसैन श्रुतिका क्यों ना हो जाए। 3, 2, 1 गो। आखिरकार दौड़ते भागते हम लोग पहुंचे गए। अरे हुसैन, मुझे तो लगा था आप पीछे छूट जाएंगे, आप तो बड़े तेजी से दौड़ लगाते आ गए। मैं थोड़ी देर लखनऊ में रुक गया था। भाई ये जो फिटनेस टेस्ट का तरीका है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हुसैन। वैसे मैं एक बात बता दूं, मुझे लगा आप रोज हमारे साथ योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो मुझे लगा हो सकता है कहीं आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आप तो साथ साथ ही आ गए। देखिए मैं थोड़ा पीछे रह गया था लेकिन अब आ गया हूं, क्योंकि अवध का रहने वाला हूं। पहले आप वाली जो तहजीब है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपसे पीछे था। देखिए तहजीब का बहाना तो चलेगा नहीं, फुर्ती बढ़ाने के लिए हर दिन हमारे साथ योग करना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप सिंहासन से उतर आए हैं, हमारे साथ फ्लोर पर हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, स्वामी जी भी तो हमेशा यही कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आप हेल्दी होंगे तो उम्र भी लंबी होगी। और ये तो योग से ही मुमकिन है, क्योंकि देश में कई ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार योग करते हैं और 100 साल के बाद भी निरोग सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि योग न सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूती देता है। रोजाना योगाभ्यास के तमाम फायदे हैं। ये आपको एनर्जेटिक और फ्रेश रखता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और तमाम बीमारियों से भी बचाता है। और जब इतना फायदा है तो आप 100 साल लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। लेकिन मीनाक्षी सबके साथ तो ऐसा है नहीं, 100 में से 90 लोगों का जो बायोमार्कर है वो बिगड़ा हुआ रहता है। तभी तो हुसैन अपने दर्शकों को आज हम एक सरप्राइज भी कुछ ही देर में देने वाले हैं, ताकि गारंटी के साथ वो सेहतमंद भी होंगे और फिर लंबी उम्र भी मिलेगी। तो सरप्राइज तो बाद में, हम दौड़ लगाते हुए आ गए। आज स्वामी जी क्या करने जा रहे हैं, आइए उन्हीं का स्वागत करते हैं। स्वामी जी सुप्रभात। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हम भी यहाँ पर नंगे पैर दौड़ रहे हैं, मेरे साथ साथ मोटे मोटे भाई बहन भी दौड़ रहे हैं, हुसैन जी, श्रुतिका जी। और देखो इधर दाएं तरफ कमल के फूल खिल रहे हैं, इधर जीवन पुष्प खिल रहे हैं। और इन सब भारी भरकम लोग भी दौड़ रहे हैं। दौड़ो भाई। हाँ, ये हमारे तगड़े तगड़े भाई बहन हैं, बड़े मजबूत हैं। और यहाँ इतना सुंदर परिवेश है चारों ओर, और इन सब के बीच में दौड़ते हुए हम, अरे रे रे सब, इधर तो इनको तेल लगा करके और फिर इससे ढक रहे हैं पन्नी से। तेल लगा करके जब ऐसे पन्नी से ढक देते हैं, और इधर ये उद्वर्तन इसको बोलते हैं, उद्वर्तन माने ड्राई मसाज। और देखो पीछे कितने बढ़िया कमल खिल रहे हैं, इधर जीवन पुष्प खिल रहे हैं, और इधर ये हमारी बिटिया कठिन कठिन आसन भी करने में सक्षम हो रही है। और जो है यहाँ पर जननेति सूत्र नीति भी चल रही है। आज कोलोन थेरापी भी एक बड़ी जबरदस्त है, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले खड़े होकर के दौड़ो ऐसे। हाँ, ये ऐसे करते करते जी, ये खड़े खड़े ही दौड़ लें, इससे भी बड़ा फायदा होता है। और आज वेट को कम करने वाले 10 बड़े उपाय, हम संघ प्रक्षालन के बारे में तो बहुत बताया, आज कोलोन थेरेपी क्या होती है, इसमें करीब 20-25 लीटर पानी एक नली से डालते हैं, दूसरी से निकालते हैं, पूरी आंतों की धुलाई कर देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल करके धुलाई करते हैं ना ऐसे। तो खैर ये चीज़ भी आज दिखाने वाले हैं, और एक प्रोसीजर हो जाए उसके बाद। तो स्वामी जी देखिए, योगिक जोगी आप हमेशा से कहते हैं, साल दर साल कई साल ये प्रोग्राम चल चुका है, और हमेशा आपने स्वामी जी कहा कि पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, सेहतमंद होना है। लोग लंबी उम्र जीना तो चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन उसके लिए मेहनत जो करनी है वो करने से कतराते रहते हैं।
तो आप देखिए दौड़ लगाने के बाद आज ये अंदाजा हो रहा है कि फिटनेस और स्टेमिना का जो लेवल है वो पता चल जाता है अगर रनिंग कर ली जाए तो। स्वामी जी इसे बढ़ाया जाए ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास जरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए करवाइए ताकि जिन लोगों से गलतियां हो रही हैं वो गलतियां भी सुधर जाए। तो देखो पहले अभ्यास में ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ उठा। अच्छा स्वामी जी ऐसे। आप तो देख ही चुके हैं पूरा हाथ यू आज हुसैन भी फ्लोर पर है फिर सारी दंड सारी बैठक लगवानी है जिनसे। अरे हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर ये तीसरे के बाद ये चौथा है पूरे बैठो सीधे सीधे पूरे उठो और इसके बाद में पांचवे में तो ऐसे एक तरफ बैठ के फिर उठना होता है। तो मुझे लगता है हुसैन भाई भी इसको कर लेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी अभी बरकरार है अवधि फिर ऐसे ये सातवां अभ्यास है। अपने अपने अभ्यास ना जितना हो सके उतना ऐसे हाथ सीधे ये बराबर ऐसे खुले फिर देखो इससे जो है पूरा छाती में जो एक्सेस फैट बढ़ा हुआ होता है ब्रेस्ट चेस्ट में फिर इस साइड में पार्श्व भागों का ये जो अभ्यास है ना ऐसे डिजाइन किया है इनको ऐसे ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर और ऐसे नीचे वाला हाथ भी सीधा ऊपर वाला हाथ भी सीधा ऐसे पार्श्व भागों में पहले थोड़ा थोड़ा झुकते पहले तो इतने ही झुक पाते हैं लोग धीरे धीरे पूरा झुकने लगते हैं ऐसे फिर क्रॉस करके ऐसे दाएं हाथ से बाएं पैर को बाएं हाथ पीछे ऊपर हथेली सामने की ओर ऐसे। अब तो इंटरनेशनल योग डे भी आने वाला है और हमारे स्वामी जी के आसन तेजी से बदलते हैं। ये भाई साहब के तो हाथ अभी पैर तक पहुंचे ही नहीं रहे। क्या नाम भाई साहब? विकास। विकास ने पूरा विकास कर रखा है। लोग कहते थे विकास नहीं मिल रहा कहाँ खो गया राजनीति की पूरी उथल पुथल में। तो देखो इन्होंने पूरा विकास कर रखा और अभी इन्होंने एक पाँव और किया अभी कितना घटा लिया 2.5 किलो घटाया। अब रास्ता मिल गया एक एक दिन में एक एक किलो वेट घट रहा है आगे पीछे 1 किलो 1.25 किलो 1.5 किलो एक बालक का तो 2 किलो घट रहा था लंबे लंबे श्वास आगे पीछे पूरा ऐसे। देखो आगे झुके तो माथा घुटनों से लगा ऐसे पीछे झुके तो ऐसे पूरे गए तो इससे थोड़ी से लेकर के पेट से लेकर के सामने और पीछे पीठ से लेकर के कुल्लू से लेकर के पूरा फैट इससे बर्न होता है। फिर यह अभ्यास तो पूरे शरीर को एनर्जाइज करने के लिए पूरा बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म एपोप्टोसिस ऑटोफेजी माइटोफेजी को पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए 12 के बाद फिर देखो ये 12वां अभ्यास है। फिर दाएं पैर को ऐसे उठाया बाएं तरफ ऐसे लेकर के गए बाएं को दाहिनी तरफ ऐसे लेकर के गए दाएं पैर को बाएं कंधे के बराबर ऐसे बाएं पैर को दाएं कंधे के बराबर ऐसे ये ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे। अब सीधे सीधे पैर यूं सिर के बराबर ऐसे। अब इसके साथ हाथ भी सामने ले लिए तो ऐसे ये ऐसे। अब इसमें थोड़ा चेष्टा तो करनी पड़ती है ऐसे ऐसे। हमारी बहनें भी लगी हमारे भाई भी कोशिश तो कर रहे हैं फिर हाथ घुटने के नीचे ऐसे के दिनों की याद दिला देते हैं। माइक और लेपल की मशीनें नीचे आ जाएंगी तो मैं थोड़ा सा अच्छा। स्वामी जी देखिए सेहत को लेकर के लोग सेहत को लेकर लोग संवेदनशील हैं बीमारी की बात सुनकर थोड़ा डरते भी हैं खौफ भी खाते हैं लेकिन हेल्दी रहने के लिए जो तरीके आजमाने चाहिए जो अपनाने चाहिए उसे अगर शुरू भी कर लेते हैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो स्वामी जी बहाने बहुत सारे लोगों के पास हैं तो कभी ना कभी कोई और दिक्कत ना आए इसके लिए योग को जिंदगी में शामिल किस तरह से कर लिया जाए ताकि किसी रोज वो छूटे नहीं बिल्कुल। हाँ इसके लिए एक प्रतिबद्धता चाहिए एक संकल्प चाहिए कि चाहे लाख समस्याएं हो लाख काम हो और हमें प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। जैसे मैं
योगिक जोगी के बाद ताड़ासन तिलक ताड़ासन कर रहा था, सूर्य नमस्कार भी बड़ा अच्छा है। बस अब ये सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, दंड बैठक, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। हाँ ये तो सब चलेगा। तो एक प्रतिबद्धता, जैसे मेरे पास भी सैकड़ों कार्य होते हैं, सुबह 3-3:30 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक ये सब चलता रहेगा, लेकिन योग एक दिन भी छूटता नहीं है। ऐसे तो ये एक प्रतिबद्धता, एक संकल्प, एक दृढ़ता, एक डिटर्मिनेशन कि मुझे सुबह योग करना ही करना है किसी भी कीमत पर। जिनसे नहीं हो पा रहा है सूर्य नमस्कार, कोई बात नहीं, वो अब हमारे साथ ऐसे ही बैठ जाएंगे। कैसे? ऐसे बैठो, ये ऐसे पैरों को सामने खोल लें और ऐसे कर लें। ये तो कितने इजी है इसमें। और फिर मैं कह रहा था 10 उपाय बताने वाले हैं मोटापा। एक तो 10-12 आसन कर लें, कुछ भी चयन कर लें, योगिक जोगिंग के, सूर्य नमस्कार के, भी दंड बैठक भी होंगे ऐसे। और ये 5 अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है। अब 10 अभ्यास कंटिन्यू चलेंगे। एक तो देखो ये मालिश करके, फिर ये मड थेरापी करके मिट्टी पर में लिटा देते हैं, फिर ये GST करते हैं, फिर स्टीम देते हैं, फिर बस्ती देते हैं एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा, और आज तो हम कोलोन हाइड्रोथेरापी कराते हैं, कोलोन हाइड्रोथेरापी। फिर ये अभ्यंग जिसमें ड्राई मसाज करते हैं पूरे छाती पर, पेट पर भी, पैरों में भी, कि हटाओ भाई इसका तौलिया, हाँ इसके पूरे हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर पर, और जड़ी बूटियों की सुगंध भी आती रहती है, पूरे शरीर पर ड्राई मसाज कराते हैं, फिर पसीना निकालते हैं पूरा योग से, फिर गोधन अर्क देते हैं, मेदो हरवटी वेट को देते हैं, त्रिफला का पानी पिलाते हैं, नींबू का पानी, नारियल का पानी, फिर जितने भी खट्टे जूस हैं ना ये बड़े अच्छे होते हैं, पाइनएप्पल का, अनार का, मौसमी का, ये सारे थोड़े खटास लिए हुए जूस, फिर लौकी बिना खट्टे वाला लौकी, और ये जो कद्दू है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, लौकी, कद्दू, अनानास, और जिनको पेट भरना है लेकिन वेट नहीं बढ़े, पेट तो भर जाए लेकिन वेट ना बढ़े, इसलिए खीरा खिलाते हैं, ककड़ी खिलाते हैं, खरबूजा, तरबूजा, पपीता, ये सब खिला देते हैं। हाँ और या तो ये सारी चीजें, खाना तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन सुबह सुबह दौड़ना, हाँ, जो है ये भी जो सारा चूना लगा हुआ था चेहरे पे, सब वो धुल गया स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज सारी लिपा पोती की छीसा लीदर हो गई। स्वामी जी कुर्सी पर बैठकर जो लोग काम करते हैं, जिनकी मजबूरी है ऑफिस में घंटों बैठना, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लगातार बैठना स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है, जो लोग स्मोक करते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है लगातार बैठकर काम करना। तो हर एक 20 मिनट में 3 से 5 मिनट का, 3 से सिर्फ 5 मिनट का वक्त अगर आपको निकालना है, थोड़ा सा उठ लें, कुछ दूर चल लें, तो स्वामी जी ये 2-3 मिनट का जो वक्त है इसमें क्या कोई स्ट्रेचिंग अभ्यास किया जा सकता है ताकि जो बॉडी के बायो मार्कर्स हैं वो बैलेंस रहे? डीप ब्रीदिंग कर लें। देखो 3 चीजों का बैलेंस रहना जरूरी है, पूरी बॉडी के जो बायो मार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस हैं, उनका बैलेंस रहना जरूरी है, नहीं तो ये बायोमार्कर्स अंदर के अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो शरीर में इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, बीपी शुगर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें, एक पानी जो है एक जगह रुक जाता तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, और चलता रहता है तो वो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी कहलाता है। तो ऐसे चरई वेती ये सारी सृष्टि, सूरज चांद, सृष्टि का एक एक अणु परमाणु, शरीर की एक एक कोशिका गतिशील है व्यक्ति ने,
कुछ इस तरह के प्रोफेशंस हैं उसमें अपने शरीर को जंग लगा ली है, तो क्या करें, बीच में उठ करके ताड़ासन तिरेक ताड़ासन कर लें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें और सबसे अच्छा डीप ब्रीदिंग कर लें, और उस समय पेट खाली है तो कपाल भाती, नहीं तो अनुलोम विलोम तो हर समय किया जा सकता है, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम यही बीच में कर लेना, उसी से ही पूरा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1,00,000 किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा अच्छा हो जाता है, T3, T4, TSH का, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल का, सारे बायोमार्कर्स का, सब प्रकार के साइटोकाइंस का बैलेंस रहेगा, एनर्जी का बैलेंस रहेगा, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस और हमारी एनर्जी में सिनर्जी रहेगी। तो ये अभ्यास तो अभी तो बताए, ये उल्टे लेट करके और फिर सीधे लेट करके देखो, ये ओबेसिटी के लिए बता रहे हैं अभी, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, दिशा टीकासन, थायराइड के कारण से ओबेसिटी है तो फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन भी बताएंगे। तो क्रम है आज जो पूरा चल रहा है, तो वेट को कम करने वाले अभ्यास भी बता रहे हैं और जो आपने बायोमार्कर्स का, अंदर के साइटोकाइंस का, अंदर T3, T4, TSH का, अंदर के SGOT, SGPT, bilirubin, creatinine का, कोलेस्ट्रोल का, सब चीज़ों का बैलेंस, माने लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरे ब्लड प्रोफाइल, TLC, DLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स का बैलेंस रहेगा, और थोड़ा त्रिफले का पानी पी लें, नींबू पानी, नारियल पानी, लौकी का, पेठे का, अनानास का, नारंगी का जूस, वैसे तो फ्रूट पूरा खाएं ना, फाइबर के साथ ज़्यादा अच्छा है, वैसे तो फ्रूट जूस के नाम पर तो पूरी चीनी का ही घोल मिल रहा है, वो एक अलग बात है, उससे तो बचना पड़ेगा। अब तो सारे गाइडलाइंस भी निकाल दिया ICMR से लेकर के, FSSI से लेकर के, सब कह रहे भाई तुम इसको फ्रूट जूस नहीं ले सकते, इसको तुम फ्लेवर्ड जूस लिख सकते हो, कोई किस नाम से, कोई किस ब्रांड से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये अभ्यास देखो, एक एक पैर से करेंगे ना तो ऐसे ऐसे, कितना ईजी है, दोनों पैरों से एक एक पैर से तो विकास जी भी कर पाएंगे, दोनों पैरों से तो थोड़ा उथल पुथल ज़्यादा मच जाएगी, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, एक रिदम के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, एक डिवोशन, डेडिकेशन, निरंतरता के साथ, सुबह उठ कर के दौड़ न गाने की आदत, और हम तो नंगे पाँव ऐसे घास पर, कच्ची मिट्टी पर दौड़ते हैं, यदि वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर सड़कों पर ही दौड़ लें, उसके लिए आजकल अच्छे अच्छे जूते आ गए हैं जिससे कि जर्क ना लगे, आपके कार्टिलेज ना घिसे, ये जो हार्ड सरफेस के ऊपर, हार्ड सरफेस के ऊपर, और हाँ आपने बहुत अच्छी दौड़ लगाई, मैंने देखा, बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे आप, ऐसे जैसे छोटे बच्चों की तरह, ऐसे जैसे अभी स्कूल में है, कॉलेज में अभी पढ़ ही रहे, वैसे भी आप तो बड़े दिखते ही नहीं है एकदम बच्चे स्वामी जी, बस बस अगर ये पावनता, कभी कभी थोड़ा सा बचपना रहना जी, मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, ये बच्चा हमारे अंदर जिंदा रहना बहुत जरूरी है, प्यारे क्यूट क्यूट से लगते हैं जो हमें लगातार सीखने की हुसैन प्रेरणा देते हैं, जब हम अपने आप को मान लेते हैं ना, अभी ये मानते हैं हुसैन, जब मान के चल लेते हैं कि सब कुछ सीख लिए, वहीं से जो है अवनति शुरू हो जाती है, कि हमारा बचपना रहना ही चाहिए। स्वामी जी देखिए, हम सब ये जानते हैं कि 100 में से जो 90 लोग हैं उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ रखा है, जैसी निर्दोषता निर्बलता, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज बहुत बड़े संत थे, वो कहा करते थे बच्चों जैसी निर्दोषता निर्मलता हमारी अक्षुण्य रहनी चाहिए, बच्चों की तरह रहो, हमारे संतों को तो सिखाया जाता है, संत को बाल वत सरल सहज निर्दोष निर्मल रहना चाहिए, और कभी कोई हो भी जाए, बच्चों को कोई डांट फटकार देता है, गिर पड़ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, किसी बात को थोड़ी देर के लिए कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो तुरंत भूल जाते हैं, तो बच्चों से हमें, स्वामी जी निदा फाजली ने बड़ी अच्छी लाइन इस पे कही है, लर्न करना और रीलर्न करना सीखना चाहिए, यही तो जिंदगी है, लर्न अनलर्न रीलर्न, ये पूरे जीवन का मंत्र बता दिया जी, मेरे
बहन मीनाक्षी जी बीच में कट गया था, लेकिन हमने फिर फीलर चालू रखे थे, हम अनकट रहते हैं ना, तो ये ओबिसिटी के अभ्यास करके रास में मरकटासन रिलैक्स होने के लिए ज़रूरी है, और सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, ये थायराइड के लिए भी ज़रूरी, क्योंकि थायराइड से भी बहुत लोगों की ओबिसिटी बढ़ती है, उससे भी पूरा स्वामी जी आप देखिए अनकट रहते हैं, उससे भी, और हम भी लोग जोड़े रखते हैं, गड़बड़ होते हैं। तो जो अगला विषय है वो अब आपके हवाले करते हैं। हम सब स्वामी जी जानते हैं कि 100 में से जो 90 लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर रखा है, बिगाड़ रखा है, और जिससे भारत पहले डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, ये हम सब जानते हैं, पहला डायबिटीज कैपिटल है हमारा हिंदुस्तान, और अब हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक मौत की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। तो बाकी दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज तो सिरदर्द भी है एक तरह से, और अब ऐसे में स्वामी जी कैसे कोई 100 साल तक निरोग रह सकता है जब इतनी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, तो 100 साल वाला टारगेट अचीव कैसे होगा? तो हर एक बीमारी के लिए स्वामी जी 5-5 आसनों का पैकेज अगर आप बताएं, तो उसमें सबसे पहले शुगर और बीपी को ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया, पहले तो थायराइड के लिए बता दिया, अभी सर्वांगासन, हलासन, ये उष्ट्रासन, मत्स्यासन, ये सब चक्रासन, चक्रासन तो हमारी बेटी करेंगी, करो बेटा चक्रासन करो, और जो है आप ये कर लो मेरे साथ उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, और फिर इसके साथ आहट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसे एक एक अभ्यास को ऐसे किया, और एक एक गोमुखासन बड़ा अच्छा है, यही कर लो। चक्रासन तो बड़ा कठिन है, लेकिन जितना जिससे बन पाए। ये चिया सीड भी बड़े अच्छे होते हैं, देखो चिया सीड जो है ना रात को भिगो दे, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, और ये पूरे फूल करके सुबह बड़े अच्छे हो जाते हैं। हाँ, और भारत में तो सबसे अच्छे है तुलसी के बीज, तुलसी, वन तुलसी, श्यामा तुलसी, कई तरह के हमारे यहाँ तुलसी होती है, मरुआ, किसी के भी बीज, एक ही एक फैमिली है ये तुलसी की, वेजल की, और जो है ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, हार्ट के लिए भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो अच्छा है, उसके लिए गोमुखासन जरूर करें, और चिया सीड लें, ये बड़ा अच्छा, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन की छाल खाली पेट खाने के बाद दोनों समय ली जा सकती है, अभी गर्मी भी है तो काढ़ा अर्जुन की छाल दालचीनी के जो उबाल है ना उसको फिर ठंडा कर लें, और जौ का सत्तू, चने का सत्तू, फिर हमने प्याज का प्रयोग, जौ का दलिया, राबड़ी घाट की जौ के दलिये को छाछ में और पानी में पका करके रात को रख दे, और सुबह उसमें छाछ, दही, थोड़ा लिक्विड मिला करके फिर पी लें साहब, उससे तो गर्मी हमेशा के लिए लगेगी नहीं। और फिर हमने तो पीपल, बेल, शीशम, एलोवेरा, वेटरग्रास गर्मी के लिए ये बताना ज़रूरी है, लौकी का जूस भी गर्मी को दूर करता है, और ये उसके लिए, और इसमें थोड़ा सा पुदीना और डाल दें, इसमें थोड़ा टेस्टी बनाना है कुछ लोगों को तो थोड़ा सा इसमें वो नारंगी का, संतरे का जूस भी मिला दिया, थोड़ा आंवला मिला दिया, इतना टेस्टी हो जाता है, दो दो गिलास पीते सुबह, दोपहर, शाम, और कुछ पीने की इच्छा ही नहीं होती, थोड़ा वाटरमेलन खा लिया, वेट बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हार्ट के लिए फिर अब एक 5 आसनों का पैकेज बता देते हैं, हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पायस्पिसर फुस्टलाइज, जो लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाती है ना स्वामी जी, मंडूकासन ऐसे। देखिए योग के जरिए भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका रेट बढ़ाना है, 5 आसन जरूरी। फिलहाल ये 67 साल है हमारे देश में, और कोरोना के बाद ये चीज़, ये एक्सपेक्टेंसी का जो ईयर है ये और घटा है। तो स्वामी जी अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अभ्यास करवाई, क्योंकि हमने पिछले वक्त में देखा है कि हार्ट साइलेंट हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को आए, लोग तड़पड़ ख़त्म हो गए, तो हार्ट का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के समय जो लोगों ने एंटीबायोटिक्स, हाई डोज ऑफ स्टीराइड, फिर एक बार, फिर दो बार वैक्सीनेशन, फिर बूस्टर डोज, इससे पूरा अंदर तबाही मच गई,
पूरा अंदर डिजास्टर हो गया। तो ये मंडू का आसन पांच अभ्यास बता रहे हैं अभी, जो गुमुखासन भी ना कर पाए वही पांच अभ्यास कर लेंगे, इससे हार्ट अच्छा रहेगा। कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी और लौकी का जूस, ये तो उसकी नेचुरल रेमेडी है। और ये मंडूकासन जो वज्रासन में भी ना बैठ पाए तो सुखासन में बैठ करके, ऐसे सुखासन में बैठ करके आगे झुक जाए, ऐसे ही बैठ करके आगे झुक जाओ विकास जी। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते ऐसे झुक करके, और इसमें जब लीवर पर, स्प्लीन पर, पिनक्रियास पर, लंग पर, हार्ट पर एक साथ आकुंचन और प्रसारण की क्रिया होती है, गति से उनके अंदर शक्ति पैदा होती है, जो कर सकें वो तो मंडूकासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ के योगा मुद्रासन ऐसे कर लें, और जो इतना भी ना कर पाएं वो कम से कम सुखासन में बैठ के या कुर्सी पर बैठ कर के आगे झुक करके सहज कपाल भाति कर लें। कुछ लोगों में भ्रांति है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, हर्निया है, उनको कपाल भाति नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे कहूँगा जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है और हर्निया है, वो धीरे धीरे करें, कमर में दर्द है धीरे करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बल्कि लाभ होगा। तो ये भ्रांति है, मिथ है, इस झूठ से हमें बचना पड़ेगा। वक्रासन बड़ा ईजी है। तो ये पांच आसन बता रहे हैं, आपने हार्ट के लिए पूछा, ये हार्ट, बीपी, शुगर और सभी पाचन तंत्र के रोगों में, क्योंकि गर्मियों के अंदर पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। एक के बाद दूसरी बीमारियों का एक कुणबा कुटुंब खानदान है, वो पूरा ठीक हो जाता है। देखो आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखा रहे हैं, तो इसमें पेट के अंदर पानी डाल के मशीन से, और फिर देखो स्क्रीन के ऊपर, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कितनी तेज गति से पेट के अंदर की गंदगी निकल निकल करके करीब 20, 22, 25 लीटर पानी निकालते हैं, और उसमें से बहुत सारा कचरा निकल निकल करके बाहर जाता रहता है। किसी के तो बहुत काली काली, पीली पीली, नीली नीली गांठें निकलती, काई जैसा निकलता पदार्थ अंदर से जम जाता है, पेट के अंदर से निकालते, कोलोन थेरेपी में ऐसे 22 से 25 लीटर पानी निकालते हैं। तो खैर ये कोलोन थेरेपी का सिस्टम था जो स्क्रीन से अलग अलग प्रकार के गंदे पदार्थ निकालते हैं, दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन। अब देखो ये पवन मुक्तासन जो बड़ा ईजी है, ये सबको करना है, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, पेट के लिए भी, गैस के लिए भी। अब गैस भी बनते हैं, उसका भी अटैक हार्ट के ऊपर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर होता है तो उससे भी जो है सांस फूलता है, वैसे तो दमा के कारण से भी सांस फूलता है, हार्ट के कारण से भी सांस फूलता है, उसके लिए भी अच्छा है पवन मुक्तासन। फिर ये उत्तान पादासन, ये भी बड़ा अच्छा है ऐसे। यो अब इसमें ज़्यादा देर तो नहीं रोक पाएंगे, 20 से 30 सेकंड तो सभी रोक सकते हैं। फिर एक है ये सेतु बंद, ये बड़ा ईजी है। तो इतना तो सबको करना है, ये बिल्कुल इतना सबको करना है तभी सेहतमंद जिंदगी मिलेगी। जो योग मुद्रासन कर सके बहुत अच्छा, वक्रासन। और स्वामी जी एक बात और, आप जो हमेशा कहते हैं जहाँ गति है वहीं जिंदगी है, ये भी बिल्कुल 200% सच्ची बात है, गति के बगैर जीवन नहीं है, गति में शक्ति है, बिना गति की दुर्गति। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनकी जीवन शैली बड़ी सुस्त है, हर वक्त आलस चढ़ा रहता है, और इसकी वजह से जोड़ों की परेशानी, गर्दन पीठ कमर में दर्द रहना। तो स्वामी जी अब इस समस्या को भी जरा दूर ही कर दीजिए। तो देखो गर्दन अकड़ी हुई है, कमर अकड़ी हुई है, पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, और इसमें तो फिर फाइब्रोमाइल्जिया, एंकलोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, सर्वाइकल अटैक्सिया, ऐसी गर्दन अटक जाती है, झटके से लगते हैं, शरीर के अंदर करंट से लगते हैं, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, SADMS, MND, ये सब वात रोग हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी तक। इनके लिए एक तो दही छाछ, निमोचार, टमाटर, खटाई, बाय बादी की चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, और खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिक एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस, ATM की सब्जी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी, एलोवेरा 100 ग्राम उसका पल्प, मेथी के 20-25 ग्राम और हल्दी 5-10 ग्राम, इसको गाय के घी में थोड़ा हींग में छोंक करके इसकी सब्जी बनती है बड़ी ज़बरदस्त, इसका सेवन करें। और हल्दी मेथी सौंठ
सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर, ये बड़े जबरदस्त होते हैं। घरेलू में तो हल्दी मेथी सूंठ सबको मिल जाती है, अश्वगंधा शतावर हम सबको दे देते हैं, तो या तो फिर वातारी चूर्ण ले ले, या फिर हल्दी मेथी सूंठ घर में बराबर लेकर के समान मात्रा में 100-100 ग्राम लिया और 100 ग्राम इसमें अश्वगंधा, 100 ग्राम शतावर मिला दिया। जिनको की पित्त की प्रकृति है, इन सबको भिगो के इसका पानी पीने और बाकी तो एक एक चम्मच सुबह शाम फांकी मार करके खा लें। ये मरकटासन कमर के लिए बहुत अच्छा है, कमर के लिए दो अभ्यास भी कर लिए ना, मरकटासन और ये भुजंगासन, और इतना भी ना हो तो कम से कम मकर आसन जरूर कर लें। हाँ ऐसे, अब ये जो हमारी बिटिया, क्या नाम है बाबू, मधु, जैसे भूनमनासन कर रही है, ऐसे कठिन तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे झुकते हैं तो भूनमन आसन हो जाता है फॉरवर्ड बेंडिंग में, पीछे झुकते हैं तो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन हो जाता है। आगे झुके अब पीछे झुक जाओ जी, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन हो जाता है। उसी में और ज़्यादा झुक जाते हैं उष्ट्रासन में ही, तो फिर वृश्चिकासन हो जाता है। ऐसे एक के बाद रिदम के साथ दूसरा आसन, ये तो मधु कर रही है, ऐसा सब ना कर सकेंगे तो कोई बात नहीं। जिनको अर्थराइटिस है, वो जो मैं बात बता रहा था अभी, इन्हीं बातों का ध्यान रखें। और थोड़ा देखो सूक्ष्म व्यायाम, ये बड़ा ज़रूरी है, इतना भी कर लिया ना, ये देखो ये सूक्ष्म व्यायाम। आप बोल रहे थे ऑफिस में बैठे बैठे शुरुआती सूक्ष्म व्यायाम से करनी चाहिए ताकि बॉडी जो है थोड़ी तैयार हो जाए। और लोग अक्सर स्वामी जी एक्सरसाइज और अभ्यास जब शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम तो काफी जोश जोश में, धूप में बैठना, काफी जोश जोश में बहुत ज्यादा कर जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में उनको पता चलता है कि उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है और हांफने लगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि सांसें उखड़ रही हैं, लंग्स वार्म अप नहीं होने की वजह से क्रैम्प और आ जाते हैं। लंग्स जो है सांस साथ नहीं दे रहे हैं। तो स्वामी जी प्राणायाम का सेशन तो बाद में करवाइएगा, लेकिन लंग्स को मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है और कौन 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 से अभ्यास कर सकते हैं? देखो लंग को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा एक तो भुजंग आसन 100 बार करना, और ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते भी देखो ऐसे कुर्सी पर बैठ करके, आप कह रहे थे ना कुर्सी पर बैठे बैठे ही ये हो जाता है, हाथों को आगे पीछे ऐसे 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 ऐसे, पैरों को आगे पीछे, और ये कुर्सी पर बैठे बैठे हो जाते हैं ये सब अभ्यास। और लंबे लंबे सांस लें, कुर्सी पर बैठे बैठे ये कर लें ऐसे ऐसे, कुर्सी पर बैठे बैठे ही हर आधा घंटे में एक घंटे में ऐसे थोड़ा 5 मिनट ऐसे कर लिया, तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी भी आपके लिए संजीवनी का काम करती है। ऐसे ये थोड़ा कर लें, और लंग के लिए बेस्ट है 3 एक्सरसाइज, ये तो कभी भी कर सकते हैं ना, एक ये खाने के बाद भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम, और उज्जाई भी लंग के लिए बहुत अच्छा है। स्नोरिंग, स्लिप एपनिया, थायराइड की प्रॉब्लम, टोन्सिल की प्रॉब्लम, गला खराब होना, वैसे भी अभी गर्मी में सर्द गर्म बहुत हो रहा है लोगों को, कभी कूलर, कभी एसी, कभी पंखा, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी धूप, कभी छाव, और इसमें उलट पुलट हो रहा है सब। ठीक है स्वामी जी, अब हम अपने सवालों को यहीं विराम देते हैं और आपकी इजाजत के साथ और उज्जैन जी मेरे भाई दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल स्वामी जी दिल्ली से इंदु जी का है। करीब 2.5 साल से मुझे जुकाम की समस्या है और मेरे को आर्टिक एरिया होता है, और जिसके कारण दवाई खाने की वजह से मुझे मोटापा बढ़ता जा रहा है, मुझे इसका कोई उपचार और समाधान बताइए। देखो आर्टिक एरिया, सर्दी जुकाम, और फिर शरीर में बहुत तरह की परेशानी, एक के बाद दूसरे बीमारियों की फैमिली का अटैक होता है, तो क्या करें? आर्टिक एरिया के लिए तो सबसे अच्छा है 5 काली मिर्च, 2 चम्मच खांड, 2 चम्मच गाय का घी, खाली पेट ले आर्टिक पेट, नहीं तो शीत पित्त भंजन रस 10 से 20 ग्राम, हरिद्राखंड 100 ग्राम, 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लो, आर्टिक एरिया अच्छा हो जाता है। नारियल के तेल में कपूर मिला करके लगा लें, अणु तेल
और स्वासारी ब्रोनकोम, खाली पेट ब्रोनकोम ले ले दो दो, और खाने के बाद स्वासारी बटी या स्वासारी गोल ले लो, सर्दी जुकाम का परमानेंट इलाज है। प्राणायाम तो कर ही ले। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल कनाडा से आया है शिव का। अपनी धर्म पत्नी के बारे में, जिसकी उम्र 68 ईयर है, उसको डायबिटीज है और उसका HbA1c 6.6 आया है। आपके निर्देशानुसार वो खीरा, टमाटर और करेले का जूस लेती है। उसका प्रश्न है कि वो कितने दिन तक इसको लगातार ले सकती है और इसके साथ और क्या उपाय किए जा सकते हैं। जरूर मेरे भाई, शिव जी ने पार्वती के लिए पूछा है, अपनी पत्नी के लिए। खीरा करेला टमाटर का जूस तो जिंदगी भर पी ले, कोई समस्या नहीं है। और मेथी का पानी पी लें, मेथी इसको अंकुरित करके ना, मेथी के साथ थोड़ा मूंग बोठ भी और ले सकते हैं। मेथी और का पानी पी लें, रात को भिगोया सुबह उसका पानी पी लिया, और जो अंकुरित हो जाती है ना मेथी, फिर उसको खा ले। मेथी को रात को भिगो दे, ये गर्मी में तो 24 घंटे में भी नहीं तो 2 दिन में तो बहुत अच्छे अंकुरण फूट आते, फिर कड़वा भी नहीं लगता है। ये चिया सीड तो मैंने गर्मी के लिए बताया और कोलेस्ट्रॉल वेट आदि के लिए, मेथी जो है डायबिटीज़ के लिए, और खीरा करेला टमाटर का जूस मधुनाशी मधुग्रीट और मंगा लेना इंडिया से ही। मंडूकासन पवन मुक्तासन 10-10 मिनट करें कपाल भाती के साथ और अनुलोम विलोम करें। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाएंगे, एक एक सेल के रिसेप्टर्स और उसका पूरा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे, किडनी पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी तीनों की समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। कोटा से जो डायबिटीज के राघव का सवाल है, पूरा 100% सॉल्यूशन बता दिया। मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे दादू 65 साल के हैं, उन्हें हार्निया की बीमारी है, उनका पेट बहुत दर्द करता है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, कृपया इसका इलाज बताए, धन्यवाद गुरुदेव। बड़ा प्यारा बच्चा, दादा की कितनी फिक्र है बच्चे को भाई, क्या ओहो बच्चा। अरे भाई दादा पोते का तो बड़ा अच्छा जुगलबंदी होती है वैसे भी। अब दादा को कष्ट में देखे तो पोता तो प्रश्न पूछे ही, घर इंडिया टीवी का प्लेटफॉर्म इसको मिल गया। तो पोते ने जो पीड़ा बताई है दादाजी की, सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पतंजलि के सेंटर पर मिलता है, बहुत सस्ता सा है, उसको उबाले। नहीं तो भूम्यावला पुनर्नवा मकोय ये तो हर अब तो बहुत पूरे देश में मिल रहा था, मिलता है फ्रेश। इसमें भूम्यावला पुनर्नवा मकोई में थोड़ा अमरूद का, थोड़ा सा अमरूद के पत्ते और थोड़े अनार के पत्ते का जूस और मिला लें और इसको पी लें साहब। वीटग्रास एलोवेरा भी इसमें फ़ायदा करता है, उसको पी लें और धीरे धीरे कपाल भाति करें। कब्ज ना होने दें, थोड़ी कब्ज है तो त्रिफला, ज़्यादा है तो शुद्धि चूर्ण, और खाने के बाद अभयारिष्ट और द्राक्षा से पहले खून की कमी, भूख की दिक्कत, सारी नींद की दिक्कत सारी ठीक हो जाती है। तो दादाजी पक्के अच्छे हो जाएंगे। और थोड़ा पिंडली दबा देना बेटे अपने दादाजी की, और उल्टे लिटा देना दादाजी को, आप पिंडली पर चढ़ के गाह देना, गांव की भाषा में बोलते हैं। और स्वामी जी पक्के योगियों ने तो ये कल जो आपने चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट किया है, और बहुत सारे वीडियोज हम तक आए हैं, उनमें से कुछ खास वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर विजेता का वीडियो भी दिखाएंगे आपको। आजमगढ़, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, हिंदुस्तान के कोने कोने से ये वीडियोज हम तक आते हैं, गुरुग्राम, दिल्ली, और उम्र की भी कोई कैद नहीं है, हर एक राज्य से, हर एक शहर से। और अब जो विजेता है स्वामी जी, उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। कीर्ति शर्मा है विजेता आज की, राजस्थान से हैं कीर्ति शर्मा। नहीं नहीं, कमर नाम की तो चीफ ही नहीं है कीर्ति की। चल स्वामी जी कीर्ति के लिए तो देखो, सारे विजेताओं के लिए एक बार जोरदार, कीर्ति ने योग कीर्ति हो गया उसका नाम, उसको हम पुरस्कार भी भेजेंगे, उसको प्रमाण पत्र भी भेजेंगे। और देखो ये आसन समझ में तो आया नहीं होगा, तो इसको समझाते हैं कैसे करना है। देखो पहले दोनों हाथ ऐसे रखो, ऐसे क्रॉस करके, और आराम से जल्दी मत कर, ऐसा क्रॉस करके रखा, फिर उधर से निकले और यूं निकल गए मधु की तरह, ये ऐसे,
तो ये कर का चैलेंज है, तो बच्चे तो इजीली कर लेंगे, बड़े भाई कोई टूट फूट जाए तो हम पर कोई क्लेम नहीं करना, डिस्क्लेमर के साथ, कल का चैलेंज। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, बल्कि अब तो आप लोगों ने नोट करके रख भी लिए होंगे, अपने वीडियोस हम तक पहुंचाइए, जो सबसे अच्छा आसन करेगा उसे स्वामी जी विजेता घोषित करेंगे। और अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताते हैं कल क्या खास होने वाला है। 10 साल में भी नहीं घटा पाए वजन तो कितनी बढ़ेगी दिल की टेंशन, 60% मोटे लोगों का क्यों हो सकता है हार्ट फेल्योर, बताएंगे कल स्वामी रामदेव। और इससे बचने का भी उपाय जो है कल स्वामी जी बताने वाले हैं, तो कल का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, हार्ट अटैक नहीं होने देंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।